हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लेसन टू आवर फेस्टिवल्स रीड किया था। आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो कंप्रीहेंशन एक्टिविटी वन, टिक द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स शोन इन द पिक्चर्स। तस्वीर में दिखाए गए त्योहारों के नाम पर सही का निशान लगाइए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर कौन से त्यौहार की है? क्रिसमस। तो क्रिसमस पर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है ईद, यहाँ ईद पर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ होली, यहाँ होली पर टिक कर देते हैं। और नेक्स्ट इज़ रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन पर भी टिक कर देते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी टू, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं, इनकी हेल्प से हमें खाली स्थान भरने हैं। फर्स्ट इज होली इज द फेस्टिवल ऑफ, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या आएगा? कलर्स, सी ओ एल ओ यू आर एस, कलर्स। नेक्स्ट इज सिस्टर्स टाई डैश ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट। तो बहनें अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं, क्या बांधती हैं? राखी। सेकंड में हम बोलेंगे, बोलते हुए लिखेंगे आर ए के एच आई, राखी। थर्ड, मुस्लिम्स वियर न्यू डैश एंड ऑफर नमाज ऑन ईद। मुस्लिम नए डैश पहनते हैं और नमाज ऑफर करते हैं ईद पर। तो क्या पहनते हैं? क्लोथ्स। तीन में क्या आएगा? क्लोथ्स, कपड़े, सी एल ओ टी एच ई एस, क्लोथ्स। फोर्थ इज डैश फॉल्स ऑन 25th दिसंबर। 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस। क्या होता है? क्रिसमस, सी एच आर आई एस टी एम ई एस, क्रिसमस। क्या होता है? क्रिसमस। नेक्स्ट एक्टिविटी थ्री, मैच द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स विद देयर पिक्चर्स। त्योहारों के नामों को उनके चित्र के साथ मिलान कीजिए। फर्स्ट इज डी आई डब्ल्यू ए एल आई, दिवाली। तो बच्चों, दिवाली पर हम दिया जलाते हैं, है ना? और ये दिया रहा, दिए को हम मिला देते हैं दिवाली से। नेक्स्ट इज होली, एच ओ एल आई, होली। होली पर हम एक दूसरे को क्या लगाते हैं? गुलाल, गुलाल को मिला देते हैं। नेक्स्ट इज आई डी, ईद, यू एल उल एफ आई टी आर, फितर, ईद उल फितर। तो ईद उल फितर यहाँ पर मिला देंगे। नेक्स्ट इज सी एच आर आई एस टी एम ए एस, क्रिसमस। क्रिसमस, ये आपको क्रिसमस ट्री दिखाई दे रहा है ना? लास्ट इज टी डबल ई जे, टीज। और टीज पर हम झूला झूलते हैं, तो यहाँ पर इसको मिला देंगे। नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी वन, हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फेस्टिवल्स विच वी सेलिब्रेट। स्टूडेंट्स, ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग पार्ट है, तो यहाँ इसके लिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बोलूँगी जिसका आपको आंसर देना है। मुझे बोलना है विच फेस्टिवल इज दिस, और आप बोलेंगे दिस इज, और जो भी आपको पिक्चर में फेस्टिवल दिखाई देगा उसका नाम। तो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर के लिए विच फेस्टिवल इज दिस, तो आप बोलेंगे दिस इज भाई दूज, दिस इज भाई दूज। नेक्स्ट, विच फेस्टिवल इज दिस, दिस इज दशहरा,
विच फेस्टिवल इज दिस, दिस इज दशहरा. नेक्स्ट विच फेस्टिवल इज दिस, दिस इज तीज, दिस इज तीज. विच फेस्टिवल इज दिस, दिस इज जन्माष्टमी, दिस इज जन्माष्टमी. विच फेस्टिवल इज दिस, दिस इज मकर संक्रांति, दिस इज मकर संक्रांति. सभी बच्चे एक बार फिर मेरे साथ रिपीट करेंगे. विच फेस्टिवल इज दिस, दिस इज भाई दूज. विच फेस्टिवल इज दिस, दिस इज दशहरा. विच फेस्टिवल इज दिस, दिस इज तीज. विच फेस्टिवल इज दिस, दिस इज जन्माष्टमी. विच फेस्टिवल इज दिस इज मकर संक्रांति.